हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ ग्रैनी। तो यार, इस ग्रैनी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे बिल्कुल घर से एस्केप ही नहीं करने दे रही है यार। पता नहीं मुझे सूंघ लेती है क्या, मेरी खुशबू आ जाती है इसको। पे इंसान है क्या, वैम्पायर है? और जो भी है यार, आज मैंने भी चैलेंज ले लिया है। या तो मैं इसके घर से निकल जाऊंगा या तो मर जाऊंगा। भाई मरना कबूल है, लेकिन अब छुप के नहीं बैठूंगा, निकल के रहूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो ग्रैनी के घर से निकलने के इस सफर में बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। गाइस पहन लो लुंगी, आप ग्रैनी की बजाते हैं पुंगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यार नीचे, और मैंने घंटी बजा दी है ताकि ग्रैनी की घंटी बज जाए और वो मेरे पीछे पीछे आए। तो आजा ग्रैनी, तेरे बस की है तो आके मुझे पकड़ के दिखा। मैं तो चल रहा, मैं बिल्डिंग के दूसरी तरफ आ गया हूँ। ग्रैनी के बस की नहीं झुक के आ पाए, इसकी कमर में दर्द रहता है बुढ़िया के, तो ये तो नहीं आ पाएगी यार। भाई ग्रैनी तो यहाँ से चली गई है गुस्से में, लोहा वोहा पटक दिया इसने सारा। और ये क्या पीस ऑफ पेंटिंग, देखो फोटो का इतना शौक है भाई इसको, इसकी चाहे शक्ल कैसी भी हो फोटो का पूरा शौक है इसको। यहाँ पर तो कुछ नहीं छुपा रखा, कुछ नहीं दिखा रखा। अरे मेरे कहने का मतलब है यार, कुछ नहीं। ओ स्पार्क प्लग मिल गया भाई, स्पार्क प्लग मिल गया। चलो एक पहली कोई काम की चीज़ मिल गई है यार। तो कार एस्केप के लिए, और यहाँ से मुझे एक शॉटगन का पार्ट भी नजर आ रहा है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा नीचे, पहले मैं ग्रैनी को बुला लेता हूँ। ए ग्रैनी, आजा शोर मचा रहा हूँ, आजा तेरे बस की है तो ले ले, तेरा प्लग लगा दूंगा तेरी गाड़ी में, आजा। तो भाई वो तो आती होगी, चैलेंज बहुत बुरे लगते हैं ग्रैनी को। तो इससे पहले ग्रैनी आगे मुझे पकड़ ले, अब चल के अपन लगा देते हैं इस पार्क प्लग को गाड़ी के अंदर। गाइस यार, ग्रैनी जो है बहुत ही गुस्से में रहती है, पता नहीं क्यों इतना गुस्से में रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है इसने छत पे कपड़े सुखाए थे और कोई छीन के भाग गया। खैर जो भी बात हो, मैंने स्पार्क प्लग लगा दिया है। और ये तो शॉटगन का पार्ट भी यहीं मिल गया भाई, लो। वाह, पहला पार्ट शॉटगन का मैंने लगा दिया यार। और अब बाकी के पार्ट्स भी ले आता हूँ, देखते हैं और क्या क्या मिलता है ग्रैनी के घर में। चलो भाई ऊपर चल के देखते हैं। ग्रैनी का नहीं पता, पता लग रहा कहाँ चली गई है। चलो कहीं भी गई हो, मैं देख लेता हूँ। ये क्या है, स्पेशल की मिल गई है भाई, ठीक है अभी बाद में देखेंगे इसको। और क्या है यहाँ पर, मैं कुछ है किचन में नहीं, खाने पीने का तो कोई सामान ही रखती, बताओ। शॉटगन के पार्ट्स रखती है किचन में, माइक्रोवेव में चिंगारियाँ उठ रही हैं। अबे घर है क्या, भूत खाना है क्या है, कहाँ कैद कर रखा है मुझे बताओ। कहीं कुछ नहीं है, कोई अनार नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई दाना नहीं, कोई दाल नहीं, कोई चावल नहीं, पता नहीं क्या तो खाती है इंसानों को ही खाती है। फिर आ गई मेरे पीछे पीछे। हाँ आ जा भूतनी, आ जा। इस औरत ने ऐसा डरा रखा है ना, दिल में डर बैठा रखा, पर मैंने भी कसम खा ली भाग के रहूँगा यहाँ से। शॉटगन का दूसरा पार्ट भी मिल गया, तो इसको फिट कर दिया ये लो। एक बार शॉटगन तैयार हो जाए ना, फिर ये आगे आगे भागेगी और मैं इसके पीछे पीछे। पर चलो फिलहाल के लिए तो यार बाकी चीज़ें ढूंढते हैं अब। तो हो चढ़ जा, फिसल जाता हूँ यार, सीढ़ियाँ ऐसी बना रखी हैं इसने। ये देखो, ये किसी ड्रॉर में कोई सामान नहीं रखती भाई, पता नहीं छुपा छुपा के रखती है चीज़ों को, कहीं मैं इसका घर छोड़ के ना भाग जाऊँ। एक और पीस ऑफ पेंटिंग, हाँ बस पेंटिंग जरूर रखती है अपनी, बनवा के टुकड़े टुकड़े तोड़ के रखे हुए हैं बताओ। और देखिए इंजन का पार्ट, भाई इंजन का पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है, पेंटिंग वेंटिंग बाद में बनाते रहेंगे इसकी। ये पार्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, बस इसका पता लग जाए है कहाँ पे, सस्पेंस बना के रखती है ना एक तो। भाई कहाँ पर है ग्रैनी, कुछ हिंट ही दे दे, ऊपर है नीचे है, कहाँ पर है तू? भाई कहीं नहीं दिखती ना ये, जब टेंशन हो जाती है। पर चलो आती रहेगी, जब आएगी मैं इतने ये लगा ही देता हूँ। तो भाई ये तो लगा दिया, ये लो ए फिट कर दिया मामला, इंजन का पार्ट भी लगा दिया। लग रहा है कार एस्केप ही हो जाए भाई इस बार तो। अगर कार से एस्केप हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन मैं किसी भी तरह के एस्केप के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कुल मिला के मेरा तो एक ही मकसद है, बस आज यहाँ से भागना। आजा ग्रैनी, आजा पकड़ ले, घुस, झुक, तेरे बस की है तो तू झुक। आगे नहीं बोलूँगा भाई। ये लो पार्ट ऑफ शॉटगन, तीसरा शॉटगन का। अच्छा व्हील क्रैंक रखा है यहाँ पे भाई, उसका टैडी भी रखा है, ये इसकी बेटी का टैडी है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कहीं ना कहीं मुझे इस पर तरस भी आता है यार। पता नहीं क्या बुरा दौर देखा इसने, जो ग्रैनी ऐसी हो गई, ना जाने क्या हुआ होगा। खैर अभी चल के लगाते हैं यार अपना शॉटगन का ये पार्ट। तो ये शॉटगन का पीछे वाला हिस्सा है यार, जिसको बट बोलते हैं। अब ये बट दूसरा वाला बट मत समझ ले, तुम BUT वाला बट मत समझ ले। चलो भाई गोली भी लोड कर ली है, अब तो बस शूट करना, फायर कर दूंगा, देखते मेरे सामने मत आ जाइयो ग्रैनी। तो लेकिन कहाँ का प्लेट रख रखी है, कहाँ किचन में खाना नहीं है, धरती पे प्लेट पड़ी है, करती क्या है ये औरत बताओ। यहाँ खून फैला रखा है, कोई साफ सफाई का नाम नहीं, और मुझे और फंसा दिया यहाँ पे। आजा ग्रैनी, तेरे बस के तो मेरे सामने आ, नहीं तो मुझे इस गन का एक और इस्तेमाल पता है, वही मुझे करना पड़ेगा। आ रही है ग्रैनी, देखूँ यार इस तरफ से आ जाए तो। देखो एक और पीस ऑफ पेंटिंग पड़ा है यहाँ पे ना। ओ भाई कार की बैटरी भी दिख गई, बढ़िया। और ड्रॉर चेक कर लेता हूँ, इन वाले ड्रॉर्स में तो कुछ नहीं है यार। दूसरी तरफ चल के देखते हैं यार, अभी ग्रैनी नहीं है तो कम से कम सारे ड्रॉर्स ही चेक कर लेता हूँ। इसमें देखो, इसमें भी कुछ नहीं है। कहाँ मिल गया प्लाट्स है भाई, कटिंग प्लाट्स रखे हैं। तो फिलहाल तो अभी शॉटगन अपने हाथ में लेके रखते हैं। ग्रैनी का यार कुछ भरोसा नहीं है, कहाँ छुप के बैठी है पता नहीं। ये भाई मैंने स्क्रू ड्राइवर गिरा दिया है, ये देखो ग्रैनी को अब आ जाती है तुरंत ही आवाज़। ये फंसाने के चक्कर में रहती है,
आजा आजा, तैयार खड़ा हूँ, ले आजा। अगर दम है तो आइयो ग्रैनी, तेरे बस की है तो। भाई लग रहा है तो ग्रैनी मुझसे घबरा रही है, मैं ही इस पे हावी हो रहा हूँ। कहाँ चली गई है? नहीं आ रही? नहीं आ रही तो माता माता, मैं कोई तेरा दुश्मन थोड़ी ना हूँ, ये तो तू ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। भाई कार की बैटरी लेके लगा देते हैं। ओहो, फिट कर रही है कहीं पे, मुझे फंसाने का जुगाड़, ट्रैप लगा रही है भाई, आवाज़ आ रही है यहाँ तक। तो ये लगा देते हैं भाई अपनी कार की बैटरी, फिट कर दी है लो, सब काम फिट कर दूंगा भाई इसकी गाड़ी में। सिर्फ बता रहा हूँ, इतना काम तो मैंने कभी अपनी गाड़ी में नहीं कराया जितना इसकी गाड़ी में कराना पड़ रहा है। भागने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता भाई ग्रैनी के घर से। कहाँ है ग्रैनी? तो भाई ग्रैनी ने हमारे सपाटे, अरमन ने हमारी पीटी, फिर भी ना मुझे दिख रही कहीं सीटी। लो भाई स्क्रू ड्राइवर उठा दिया। भाई बहुत नहीं हार्ट अटैक लाएगी क्या? भाई बताओ यार, बच्चे की जान लेगी बताइए। भाई बताओ, हिला दिया इसने पूरा ना भाई। एक बात है, बूढ़ी अच्छा है कैसी भी, पर खौफ पूरा है इसका, हिला देती है बंदों को, मुझे तो हिला देती है। तो लो भाई ये हटा दिए मैंने स्क्रू ड्राइवर से, जैसे ही पेंच खोले ये मिल गई अपनी रस्टी पैडलॉक की। रस्टी पैडलॉक की भाई, ये तो बेसमेंट में लगेगी, सुपर बेसमेंट में, जहाँ सीवर है नीचे और इसका स्पाइडर पैट रहता है जहाँ पे। भाई साहब ये स्टार्टिंग में मिल गई, इस बार तो मजा आ गया भाई, इस बार के लक्षण अच्छे लग रहे हैं। मैं भागूंगा जरूर इसके घर से, और मैंने वैसे ही पक्का इरादा करा हुआ है। आओ ग्रैनी आओ। ग्रैनी पीछे पीछे आती है भाई, तब तक चलते हैं अपन। ओ ट्रैप लगा रखा भाई, देखा, थोड़ा सा भी ध्यान हटा दुर्घटना घटी, मेरा मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये लो भाई कटिंग प्लायर्स ले लिए, क्या काटू इससे, इसके दांत तोड़ दूं क्या? आजा ग्रैनी तेरे दांत निकालू। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ग्रैनी सच में पीछे भागने लगी, इसके दांतों में दर्द हो रहा होगा जरूर, सोच रही इलाज कर दूंगा इसका। मैं पागल ग्रैनी, मजाक कर रहा था, मत आ मेरे पीछे पीछे पीछे। ओ भाई भाई यार, कितने गलत टाइम पे फंसा भाई। ये मुझे मार के छोड़ेगी भाई, ये मेरा पैर काट देगी, मुझे मेरा गला भी काट देगी। देखा भाई कहाँ का ट्रैप लगा के मुझे फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा है इसने। ले होली बुक लगा के भी ग्रैंड ग्रैनी जिंदा करनी पड़ेगी, ऐसे आवाज नहीं आएगी, तेरी दादी को जिंदा करूंगा जब मानेगी। तो है कहाँ पे, कहाँ चली गई? ये धप्पा भी तो कर देती, ये देखो अब इधर से आ गई भाई। ये पता नहीं क्या पैरों में तेल लगा हुआ, घिसड़ घिसड़ के चलती है ना बिल्कुल, देख वहीं से घूर रही है आंखों में एलईडी जला के। सारे रात जानता हूँ भाई इसके। ये लो ये होली बुक लगा दी, ये गिर गई इसकी ग्रैनी। भाई इतनी गंदी आवाज़ कर रही है, मुझे लग रहा है जुखाम हो रहा है इसकी दादी के। पता नहीं कौन सा बलगम फंसा रखा है अपनी नाक में इसने, इतनी गंदी। देख फिर यहाँ लगा दिया। भाई इंसान हूँ मैं, चूहा नहीं हूँ मैं, कैसे कैसे ट्रैप लगा रखे हैं ग्रैनी। कहाँ है ये, अब है कहाँ? ये आ गई सामने से आ गई। ये देखो एक तरफ से ये आ रही है, एक तरफ से ग्रैंड ग्रैनी आ रही है। मैं कहाँ से निकलूँ, फुटबॉल से उड़ा देता हूँ इसकी। ले भाई ग्रैंड ग्रैनी के सिर पे टिका दिया। ले देखो जरा, ये लो ये भी इज्जत नहीं करती अपनी ग्रैंड ग्रैनी की। वो पड़ी है, हमारा रगड़ रही है, वो आ रही है मस्ती में पीछे। आजा आजा, तुम्हारा फैमिली मैटर है भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये लो मैं तो वायर कट कर दी, और अब नीचे से भी इसकी कट कर देता हूँ वायर, तो भाई ताकि वो जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। अब मैंने वायर कट कर दिया दोनों। चलो पीछा तो छूट गया अभी थोड़ी देर के लिए, फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई हमारी सुनहरी बानो। इसके दांतों पर प्लाक जमा पड़ा है, बदबू इतनी आती है इसमें से। ले तेरी पीस ऑफ पेंटिंग लगा दूँ, अब तो खुश हो जाएगी। ये देख हाथ में क्या है मेरे, मान जा मान जा। नहीं मानती भाई, इसकी फ़ोटो की पप्पी लेनी पड़ेगी क्या? इसकी पप्पी झप्पी ले तो लेता, पर ये नहाती भी तो नहीं है यार, बताओ। खून की उल्टियाँ कर रखी हैं। मैं बकरे के साथ हाजमोला मिला के खा गई, क्या कर दिया तू नहीं है? ये तो दस्त भी मुँह से लगे रहे। भाग लो भाई, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। ले एक और पीस ऑफ पेंटिंग लगा देता हूँ तेरी। अरे अब तो मान ले तेरी इज्जत करता हूँ बुढ़िया। अच्छा बुढ़िया नहीं, सॉरी आंटी जी, मैं आपकी फोटो लगा देता हूँ, आपकी पेंटिंग लगा देता हूँ, बस बी हैप्पी। हाँ शांत हो गई भाई, इस चीज़ से बहुत खुश होती है भाई ये, इसकी पेंटिंग बनाते रहो बस, पेंटिंग बनाने वालों से बड़ा प्यार करती है भाई। ग्रैनी की कुछ आदतें ऐसी हैं ना जो फनी भी हैं, जब हंसती है ना तो लगता है कि ये है तो फनी, दिल से अंदर से फनी है, बस थोड़ा गुस्सा आता है इसको। बाकी इसकी फ़ोटो ला के देखते हैं क्या पोज दे रखी है इसने, पाउट आउट बना रखा है क्या। ये लो भाई, तो भाई सारे लगा दिए मैंने पीस, और ग्रैनी हो गई खुश, और मुझे एक एक्स्ट्रा डे मिल गया है, बोनस डे। थैंक यू ग्रैनी अपने घर से भागने की और आज़ादी की इस कोशिश में मेरा एक दिन बढ़ाने के लिए। और ये लो स्पाइडर की ले ली भाई, स्पाइडर की का मतलब है, ओ स्पाइडर की का मतलब है जो इसका स्पाइडर पैट है ना, उसके पास जाने का जो रास्ता है उसकी की है भाई ये। अभी हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे और वहाँ पर खोलेंगे उस रास्ते को। अभी आप सभी लोग देखना, बाथरूम इतना गंदा है ना, घुसने की हिम्मत नहीं होती भाई साहब। क्या क्या गिरा दिए, कितनी फ़ोटो है इसकी, क्या क्या काली पीली फ़ोटो लगा रखी है,
कुछ हरियाली वरियाली की फोटो भी लगा लेकर, कुछ सीनरी नहीं मिलती थी 10 रुपए की, बचपन में गिफ्ट में मिलती थी यार जो वही वाली, इसको कहाँ गिफ्ट मिले होंगे। खैर मैं खोल देता हूँ यार ये, अभी ये क्या हो रहा है, एक के बदले में दूसरी उठ रही है, दूसरे के बदले में तीसरी गिर रही है। भाई खुल जा, मर के रहूंगा क्या, खुल 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 गया भाई, खुल गया भाई, अभी लटसा ना चढ़ाई देती मेरे उत्तरी ग्रहण, खुल बस नहीं, अब तो गया भाई, गया 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 गया, बच गया वो, बच गया वो, बच गया भाई उत्तरी भाई, मुझे चमका देती है अभी, अभी डंडा आने वाला था भाई सिर पे, कील वाला मेरी वेल्डिंग कर देती है सिर की अभी भाई, मुझे तो लग रहा शॉटगन अब लेके ही घूमनी पड़ेगी हाथ में, मामला होता जा रहा गंभीर, गौतम गंभीर वाला गंभीर नहीं भाई, सीरियस वाला गंभीर। अब नीचे चल के भाई इसका मुझे एक यूज़ और पता है, वो कर लेते हैं भाई, ऐसे ऐसे जुगाड़ कर रखे हैं ना इसने गेट खोलने के लिए, अभी देखना आप, ये देखो इसको शूट करूँगा तब गेट खुलेगा, ये देखो भाई ये गेट अब खुलेगा, देखा क्या जुगाड़, और ये क्या रख रखा है इसने फिरकनी सी, ये तो वो लग रही है जो दिवाली पे कूदते हैं ना भाई हम, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो वो बोलते हैं उसको, चरखरी बोलते हैं, चरखरी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं यार एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ये कुछ है क्या ऊपर लग रहा है भाई इसकी ना, ये दिवाली नहीं बनने देगी ना चरखरी से ना काय से। डे टू, बहुत मारा तूने मुझे, बहुत मेरी खुशबू सूंघ सूंघ के तू मेरे पीछे भागी है, इस्केप करके ही मानूंगा मैं, मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं भाई, जब से आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कराया मेरी ना, मेरा हौसला 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया भाई, जब जब आप सब्सक्राइब करते हो ना यार मेरी एकदम क्या बताऊँ, बूस्ट हो जाता हूँ मैं एकदम। ये ले लठ, इसके लठ से अपनी तलवार से तलवार भिड़ा दूंगा अगर ये मेरे सामने आ गई तो, आ जा ग्रैनी तेरे बस की है तो, जैसे दशहरा पर करते थे ना भाई हम लकड़ी की तलवार से, ऐसे खेलूंगा इसके साथ, और अब दशहरा आ भी रहा है। ये लो भाई कटिंग प्लास्ट डाल दिया मैंने नीचे, वो दूसरी वाली चाबी कहाँ गई भाई, रस्टी वाली, मुझे लग रहा है नीचे तो नहीं गिर गई यार, तो पता नहीं इसने उठा के तो नहीं रख ली कहीं पे, ग्रैनी का कुछ भरोसा भी तो नहीं है भाई, मुझे लग रहा है उठा के तो ना ले गई हो कहीं, या पता नहीं नीचे गिर गई, ये तो खैर मास्टर की रखी है यहाँ पर भाई, ग्रैनी का नहीं पता लगता यार ये क्या चाहती है, कौन सी चीज़ कहाँ उठा के फेंक देती है, कहाँ छुपा के रख देती है, अब खुद ही सोचो यार टीवी के नीचे इसने क्या रखा हुआ था, इंजन का पार्ट रखा हुआ था, कोई जगह रखनी गैराज में रखो, पर नहीं प्लेट रखनी है इसे धरती पे, किचन में रखनी है इसे अपनी पेंटिंग्स, कुछ भी करती है भाई औरत, तो स्क्रू ड्राइवर लेकर चलते हैं यार अपना, क्या पता इसकी नीचे जरूरत पड़ जाए, तो मैं इसको वहीं रख देता हूँ, अरे यार इसे फेंको चलो। ग्रैनी ने भाई पूरे घर में ना ऐसा सिस्टम कर रखा है, कहीं भी जाओ ना जरा सी आवाज़ हो जाए तुरंत इसको पता लग जाता है, ये व्हील क्रैंक और ले लेता हूँ भाई बस, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा काम, और फिर चलेंगे नीचे स्पाइडर पैट के पास। चलो भाई ये भी गया गड्ढे में, कहाँ है ग्रैनी, ग्रैनी का नहीं पता, सही मौका है भाई, स्क्रू ड्राइवर उठाओ और चलो नीचे, अब आएगा मज़ा गेम का। चलो भाई पहुँच गए, सारा सामान जो है अब इसके एक बार और नीचे कूदना पड़ेगा, ये क्या पड़ा है यहाँ पे, कोक व्हील, इसकी ज़रूरत तो यार प्ले हाउस के पास पड़ती है, तो फिलहाल नीचे फेंकता हूँ, और ये भी गया, तो भाई लगभग सारे सामान नीचे पहुंच गया है, बस ये डंडा रह गया मेरे हाथ में, इसे लेके कूदूं, ये ऐसे तो जाएगा नहीं। चलो ये की और है, ये की भी फेंक दी, अब कुछ नहीं बचा, ये डंडा फेंक के देख रहा हूँ यार, ले कूद जा, सारा सामान नीचे पहुंच गया भाई, और मैं भी नीचे पहुंच गया हूं। अब थोड़ा मामला सीरियस हो गया है, क्योंकि भाई इसका जो पेट है ना, अब इतना भंडा है ना वो, इतना भटूरे से मुँह का अलग ही है भाई, वो ऐसा जैसे फुटबॉल पर 8 पैर लगा दिए, बदतमीजी, सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ भाई। तो यार ये कोकविल तो फेंक देता हूँ मैं, ये लो जो मेन हाउस है उसी में फेंक दिया मैंने, और ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो सबसे पहले यार ये व्हील क्रैंक लगा देता हूँ, लेफ्ट राइट चेक कर लेते हैं भाई, कहीं दिख ना रहा हो मोटू पंपू, तो भाई गुब्बारा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा हो स्पाइडर की शक्ल वाला, इसमें व्हील क्रैंक लगा देते हैं यार। इस व्हील क्रैंक को लगाने का ये फ़ायदा होता है यार, वहाँ पर ना एक डोर है वो खुल जाता है, वो ऊपर हो जाता है। अब इस की को लगाना है भाई, लेकिन उसका पता नहीं लग रहा मोटू का है कहाँ वो, तो चलो फटाफट से यहाँ चलते हैं यार, और यहाँ पर चेक करते हैं कुछ मिलता है तो, यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, दूसरी तरफ वाले में देखते हैं, ऐसी ऐसी जगह चीज़ें छुपाई हैं ना इन्होंने, मतलब ये चाहते ही नहीं बंदा निकले, पर हम भी निकल कर ही रहेंगे। तो भाई यहाँ पर मेलन रखा है, और ये वही मेलन है जिसके बारे में नोट में लिखा है कि इसके अंदर छुपा कर रखती है वो कोई खास चीज़, तो फिलहाल तो मैं इस रस्टी की से लॉक अनलॉक कर लेता हूँ। तो भाई पहला काम हो गया है लॉक, ओ सामने ही घूम रहा है भाई, कच 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 कच, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है भाई, नहीं कहाँ है भाई मोटू, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये चल के सामने देखते हैं ये क्या है, मीट रखा है भाई मीट, इस ये देखा अपना खाने का जुगाड़ रख रखा पूरा इसने, मीट लेके इसका भागता हूँ, ये मेरे काम आएगा, ओ पीछा के पीछा के, एकदम से आवाज़ आई इसकी चिल्लाने की,
उसका खाने का छीन गया, तो चिड़िया है तो बुरी तरीके से देखो कैसे ढूंढ रहा है। मैं बेटा भूखा ही मार तू, अब उसके खाने का यूज़ मुझे पता है भाई कहाँ पर होगा। ये लगेगा ऊपर, उस वहाँ चलेंगे बाद में, पहले नीचे का काम निपटा लेते हैं यहाँ का। क्या पता यहीं से एस्केप कर पाएँ, काफ़ी सामान तो मिल ही गया है। अब इसे लठ को भी गाड़ देता हूँ मैं, लठ रुक जा। ओ नहीं ओ भाई, ये नहीं रुकता, हमें हटना पड़ता है पीछे। लठ गाड़ दूँ चल पड़ दूँ, निकल। 11 नंबर की, इसकी तो 11 नंबर की बस भी नहीं है भाई, इसकी तो इतने सारे पैर हैं, कौन सी बस लगेगी इसको 11,111 की। तो भाई ये लठ भी गाड़ देते हैं यहाँ पे, हेलो गाड़ दिया भाई। अब क्या बचा, अब ये चैन बची भाई, बस भाई सिर्फ और सिर्फ ये चैन बची है, इस चैन को काटते ही अपन फरार, आजादी है भाई सामने, बस सिर्फ और सिर्फ चैन कटर चाहिए। ओ भाई कितना उतावला हो रहा है हमें चबाने के लिए, अभी चबाता नहीं है, निकल ही जाता है, निकल जा आगे, निकलता है ना ऐसे ही निकल जा। लप्पू सा स्पाइडर है, बोलना यहाँ पे आवे ना। तो भाई सारे स्क्रू खोल लेता हूँ, ये खोल बेटो, क्या क्या बना दिया इसने, हमें प्लम्बर इसने बना दिया भाई, मैकेनिक इसने बना दिया, इंजीनियर हमें बना दिया। चलो भाई जिंदगी प्यारी तो सारे काम आने चाहिए। भाई इसमें ये की मिली है और इसकी का काम ऊपर है, इसकी को लेकर अब ऊपर जाना है भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये बंदा एग्रेसिव हो गया है, बंदा तो नहीं है खैर, ये मकड़ा पकड़ा जो भी है, इसकी माँ भी ऐसी है, वो लकड़ा लेके घूमती है, मकड़ा पालती है। आवाज़ आ रही है यहीं, कट 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 कर रहा है, इसे बुलाना पड़ेगा, पहले इस तरफ बुलाता हूँ इसे। आ जा मोटू, आ जा, आ तेरे बस के तो पकड़ ले बेटा। तो भाई वहाँ से तो बच के आ गया, अब चलते हैं मेन हाउस में यार, पहले की का जुगाड़ देखते हैं, इसको कहाँ फिट करना है, इसको लगाते हैं भाई। चल ये लगेगी ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहीं चलता हूँ। ये लो भाई, ये लगा दी पैडलॉक की, ये लो भाई खोल गया। तो भाई मेन गेट में भी अब कुछ नहीं बचा है, बस वो लकड़ी के फट्टे लग रहे हैं यार, वो हथौड़े से हटेंगे, हैमर का भी अता पता है नहीं, हैमर ना मुझे मिल रहा कहीं पे अभी तक, सारा घर मैंने खंगाल लिया है। तो इतने बाकी चीज़ें लगा देते हैं यार, ये मीट सबसे ऊपर लगेगा यार ये ना, इसके पास एक छोटी स्पाइडर भी है, मोटी स्पाइडर भी है, छोटी स्पाइडर भी है, छोटी वाली स्पाइडर का ये खाना है। तो वहाँ चल के इसको, अरे ग्रैनी आ जा तू पहले आ जा, तुझे पहले पता लग जाती है, तेरी औलादों के बारे में बात करता हूँ। तो भाई ऊपर चलकर इसको सबसे पहले इसे प्लेट में रख देते हैं खाना, तो इसकी भुक्कड़ स्पाइडर आके उसे खाएगी। अब यार यहाँ पे लोग भी तो लगाए, चलो इसको यहीं फेंक देते हैं और इसकी चाबी लेके आते हैं जो कि किचन में रखी है। चलो यार फटाफट से चल के नीचे चाबी ले आते हैं। ओहो सामने दर्शन हो गए तेरे तो भाई, ये ना ये बीपी हाई करवा देगी मेरा यहाँ से, उसके बाथरूम में आ गए भाई, इसके बाथरूम में बात तेरी भैया, कैसे कैसे लैंड्री कर रखी है बिल्कुल पतली पतली। अब क्या खाती है ये, उस कौए के पंख खाती है गए, इतना काला काला हग रखा है बताओ, पूरा गंदगी फैला रखी है। छी यार ग्रैनी नहा तो लिया कर, नहाए ना कम से कम धो तो लिया कर, पता नहीं भाई ये करके धोती भी होगी क्या, नहीं धोती होगी, इसने सब गंदा कर रखा है वहाँ पर। भाई ये गेट खुल गया, आप चलते हैं ऊपर, ये देखो क्या जुगाड़ बना रखा है, ये पूरा मौत का इंतजाम है भाई, अभी देखना तुम। ये रख देता हूँ मैं खाना, ये रख दिया, यही आया निकल के भाई, इतना जहरीला है ना ये, फटाफट। अच्छा रेंच मिल गया भाई, ये गाड़ी में काम आएगा ये बटन कैसा है, और यहाँ पे क्या क्या रख रखा है जुगाड़ पानी है। देखो ले भाई डस गया भाई, कितना हराम है, इतनी जल्दी चट कर गया, इतना सारा खाना, इतना सा स्पाइडर था, ये बताओ भित्ती भर का स्पाइडर है, ऐसे तो बोलना भी आ रहा, सुसरा डंक मार रहा, बताओ भाई। यार सही बता रहा हूँ, ऐसा मन कर रहा जूते से कुचल दूँ, गेम में ऑप्शन होता ना लठी लठ बजा देता इसके साले को, धरती में मसल के ऐसा कर देता, पाउडर बना देता इसके। सॉरी ग्रैनी, ग्रैनी को बुरा लग गया, नहीं मारूंगा आपके पेट को। चौथा दिन आ गया भाई, day 4, ग्रैनी को तो भाई दिल पे लग गई बात, अब ये देखो मेरी तो आंखों में भी खून छप गया हो। आजा ग्रैनी आजा, इतना वास तोड़ूंगा बेटा, बहुत तो महंगे महंगे वास रख रखे हैं इसने, इसे तोड़ूंगा, इसे फेंक देता हूँ, इसका काम खत्म बस, ये तो मैं चिढ़ाने के लिए लेकर आया था बस। ग्रैनी चिढ़ जाती है भाई छोटी छोटी बातों पर। हाँ भाई कहाँ है मोटू, पतलू तो उसकी टांग है, मोटू उसका मुँह है, ये सामने खड़ा है, गुड्डे से बाल लगा के सिर पे, इसके बालों में कंघी हो जाती होगी, ये ऐसी चिपका रखी है इसने फेविकोल से। देखो भाई इसके पैर देखो, खड्डे जैसे पैर नहीं है इसके, जो बचपन में तुम बांधते थे और ये सोचते थे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। भाई चुपके यहाँ आना पड़ गया, ये ना पीछे पड़ गया, ये देखो अंदर तक पैर घुसड़ रखे हैं इसने,
पर भाई डरना नहीं है इस बार, डरना नहीं है, निकल के रहूंगा यहाँ से। ये ले बेटा तेरा मेलन, इस मेलन के लिए आया हूँ मैं। भाई ये मेलन छूट गया था यहाँ पे, बाकी सारा काम निपटा दिया था मैंने नीचे का। देखो पैर अंदर ही डाल के बैठा मच्छर के से। भाई चला जा, देखना चल भी कैसा रहा, समझ रहे हो ना कहाँ दर्द है इसके, बाबा सीरे इसके वहीं दर्द है जहाँ तुम सोच रहे हो, गाँव में। अरे गाँव में चर्चा है भाई इसकी। ये लो भाई, ये गर्दन काटने का जुगाड़ है, आज मेलन काटते हैं इसमें, ना जाने कितनी गर्दन। अरे यार मन सा कर गया ये तो खाने का, और सर्दियों में तो मिलेगा भी नहीं भाई। प्ले हाउस की मिली है, प्ले हाउस खोल दिए। ये लो इसके अंदर यार वो कोक व्हील भी तो लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना। ओ भाई ग्रैनी आ गई, ग्रैनी आवाज़ आ रही है। गेट बंद करो यार जल्दी से, भाई बंद हो। ओ भाई भाई ग्रैनी की आवाज़ आ रही है। अरे ये रही सामने, इसने देख तो नहीं लिया यार। ग्रैनी तो भाई ग्रैनी जा चुकी है, हम भी चुपचाप निकल जाते हैं भाई यहाँ से, बहुत ही खतरनाक जगह है। तो भाई वहाँ से तो मैं बच के आ गया, और अभी कोक व्हील लेके चलते हैं और प्ले हाउस में लगा देते हैं यार इसको। वहाँ पे दो कोक व्हील की जगह है, तो एक पहला वाला तो प्लेस हो ही जाएगा। तो देखो ट्रैप यहाँ पे भी, भाई इसको पता लग जाती है मैं कहाँ कहाँ से निकलता हूँ, वहीं पे ट्रैप सेट कर देती है। ये पहला वाला कोक व्हील लगा दिया भाई, फिट कर दिया मामला, और अब यहाँ से निकल के पहुँच गए हम ऊपर। तो यार वो रेंच मेरा गिर गया था, वो रेंच ले आता हूँ। ये रहा रेंच, कहाँ है भाई वो, कहाँ गया भाई उसका पता नहीं है। कोई बात नहीं, रेंच लेके आ गया हूँ। तो यार यहाँ पे कुछ नहीं है इसमें, कार के ड्रॉर में भी कुछ नहीं रखा हुआ। ये लो भाई सारे नट बोल्ट कस दिए भाई मैंने, घर पे चाहे कभी जिंदगी में एक पेच ना कसा हो, लेकिन यहाँ देखो क्या क्या करना पड़ता है। एक बार इसे भी चेक कर लें क्या, ये क्या है भाई, क्या आत्मा सी चल पड़ी है। देखो भाई दीवारों में से आत्मा निकल रही है। ओहो आत्मा नहीं है भाई, स्टीम है ये। ओह सोना लेती है भाई, देख तो लो, वैसे तो पिछवाड़ा नहीं धोती, वैसे यहाँ सोना बना रखा है। बंद करो इसे, बंद करो, पूरे इंतजाम कर रखे हैं, लग्जरी ले रही है लाइफ के। तो भाई यहाँ पे पैडलॉक की चाहिए, तो भाई नीचे ही पैडलॉक की चाहिए, तो मैं पैडलॉक की लेने ऊपर आ गया हूँ। ग्रैनी का था पता नहीं है, चुपचाप उठा के चुपचाप निकल लेते हैं। तो ये खुल गया अपना पैडलॉक, तो भाई नीचे भी मामला सेट है, बस कार की की मिल जाए। कार की मिलते ही हम हो जाएंगे फरार, ऊपर बस लकड़ी का, अगर एक बार हैमर मिल जाए तो लकड़ी का फट्टा भी हटा देंगे। तो भाई ये फ्रीज ट्रैप है फिलहाल, तो मुझे एक आइडिया आ रहा है, बस इसी का यूज़ बचा है, बाकी मैंने पूरा अगर छान लिया है इसी को चमका देता हूँ। ले बे कौवे, भाई ये क्या हुआ, ये तो मैं ही चमक गया यार, ये तो मुझे ही जमा दिया उल्टा। भाई कहाँ से कहाँ सर कर दिया इसने, हट ग्रैनी आ जाएगी। भाई यार इस ये तो उल्टा ही असर कर रहा है भाई, क्या करूँ इसका, देखो क्या आर पार हो रहा है। भाई तुझसे थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, कहाँ कहाँ कर रहा है जो मेरा फ्रीज ट्रैप है। आ जा ग्रैनी के लिए जुगाड़ कर दिया, ग्रैनी आओ फंसो, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कम। अबे क्या ग्लिच हो रही है भाई, ग्रैनी ओ ले भाई, पहले ग्लिच हो गई और फिर डेथ हो गई भाई। लास्ट डे है यार, सिर पे बल्ले बजा दिए इसने मेरे इतने। भाई इस बार ऐसा ना हो सपना अधूरा ही रह जाए दोबारा से, हर बार ऐसे ही होता है यार, जब बिल्कुल निकलने वाला होता हूँ ना, जब ही ग्रैनी फेल देती है। ग्रैनी देख देख बात मान ले भाई, ग्रैनी पीछे पड़ जाती है, शॉटगन लेके ही घूमूंगा अब। आ जा ग्रैनी, ग्रैनी तेरे दम है तो सामने आ भाई। गन देख के ना ग्रैनी भी नहीं आती, अब गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ यार। भाई गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, बिना की के स्टार्ट नहीं होगी, ना ही इसमें फ्यूल डाला था मैंने अभी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर ये फट्टा डा हुआ है यार, लकड़ी का फट्टा लगा हुआ है भाई। ये हैमर का रख रखा है यार इसने, आज हैमर नहीं मिल रहा बिल्कुल भी भाई। हाँ इस टॉयलेट में भी आ गया बताओ दोबारा में, छी 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 यार बताओ, कहाँ बैठ कर तो हग रखा है इसने, इसे ये भी नहीं पता कहाँ हटते। ये पॉट पे हगते हैं, कहाँ बाथटब में हगते हैं, किसी को पता ही नहीं है कुछ भाई। ये ट्रैप से यार कुछ तो मज़े लेने पड़ेंगे यार, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई, ऑप्शन दिया है तो। ये लगा दिया सीढ़ी पे, शोर मचाते हैं थोड़ा। हाँ आओ ग्रैनी कम, भाई देखना तो चाहिए एक बार ग्रैनी का क्या असर होता है। आ गई आ गई आ गई, वो अकड़ गई, हो जम गई भाई जम गई। टू मिनट्स भाई, टू मिनट, अबे इसकी तो आइसक्रीम सी बनकर टूट गई। ओह ये सही है भाई, अबे ये क्या मछली सी बनकर टूट गई है, अबे इतनी कच्ची थी ये। तो भाई ग्रैनी की तो कुल्फी जमा के तोड़ दी हमने भाई, यार बहुत गंदा सीन हो गया भाई ग्रैनी का तो। बताओ यार भाई इस काम को करने मजा आ गया, एक बार और करना पड़ेगा ये काम, एक बार और करना है भाई। कहाँ है मेरा ट्रैप, ये उठाओ भाई, कहाँ है ग्रैनी भाई, ग्रैनी आ गई आ गई। ओह भाई फिर से जमा दी ग्रैनी भाई, फिर से जमा दी ग्रैनी के, आज पूरे मजे कर दिए भाई। टूटी क्यों नहीं, टूट गई टूट गई।
उड़ गई भाई इसकी गर्दन का। ये हमें मारने चली थी भाई, मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई। तो भाई एक बार ये गोली लगा के ना ये बटन प्रेस करके देखता हूँ दूर से ही, कुछ हुआ नहीं भाई। थोड़े पास से मार के देखता हूँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट गोली बची है भाई, इससे आगे नहीं जाऊँगा भाई, लास्ट ट्राई यहाँ से कर रहा हूँ बस। ओ हो गया हो गया, इससे तो गेट बंद हुआ है यार बस। अच्छा बाहर नहीं निकल पाएगा ना वो, कम से कम इस छोटी स्पाइडर का खतरा तो टल ही गया। ढंग से देखता हूँ या कुछ है क्या अपने मतलब की चीज़। हथौड़ा नहीं मिल रहा भाई, इतनी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते भी परेशान हो गया मैं, लेकिन हथौड़े का आता पता ही नहीं है। मेरे पैर दुख गए भाई घर में। ओ सामने, अब कहाँ भागूंगा भाई, देखता हूँ यार। आ जा नहीं ग्रैनी, नहीं ग्रैनी, नहीं। ओ भाई ओ तेरी यार, 22 बार तो बहुत बुरा फंस गया था मैं, चकमा दे के भागा बड़ी मुश्किल से। तो भाई इस कटिंग प्लायर से एक बार देख लेते हैं यार, कोशिश करके अगर चैन कट गई तो बढ़िया काम हो जाएगा, अपन फरार। बस चैन काटनी है और यहाँ से फरार। पर ये मोटू ना, इसकी नज़र तेज है। चल बेटे आगे निकल, रास्ता तो पता ही है तुझे। ओहो पीछे ही जाएगा, वहाँ पोएम सुना रही होगी तेरी मैडम। हाँ जा सुन ले, हाँ जल्दी जा बेटे, हलवाई की दुकान पर रखेंगे तुझे, लड्डू समझ के बेचेंगे। कहते ऐसा हो रहा मैमी पोको पैंट सा। तो भाई ये लिफ्ट पे चल के देखते हैं यार, हथौड़े का तो कुछ जुगाड़ बन नहीं रहा। एक यही जगह बची है जो अब तक एक्सप्लोर नहीं करी है। अब भाई ये क्या सामने बना रखा है यार, मैंने एक बार यहाँ पे खोला था ना, फट गया था वो भाई। क्या करूँ इनका, 2 डब्बे रखे हैं, 1 2, क्या खोलूँ यार। मैंने 2 देखा था यार एक जगह पे लिखा हुआ, भाई 2 ही खोल देते हैं। ओ भाई बच गया, विंच हैंडल मिल गया भाई। ओ बेटे, ओ भाई मुझे पता है वेल में लगेगा ये भाई, कुआं है ना वहाँ पे प्ले हाउस के सामने, वहाँ लगेगा। चलते हैं भाई वहीं पे। भाई बंदो जल्दी निकलो भाई। तो भाई यहाँ पर इसको लगा देता हूँ जल्दी से, फटाफट से एकदम टनाटन। भाई ग्रैनी ना जाए, ये क्या है। ओ भाई हैमर आ गया भाई, अब तो निकलने का पूरा जुगाड़ हो गया भाई। इसको फट्टे को हटा देता हूँ बस। ओ भाई मजा आ गए, ओ बेटे भागो। हैं मास्टर की, भाई मास्टरों से तो हमारी वैसी ना बनती है यार, मास्टर की कहाँ से लेकर आए अब ये यार। मास्टर तो हमसे वैसे ही इतने चिड़े रहते हैं, अब ये कह रहे हैं मास्टर की लाओ बताओ। चलो भाई यहाँ से देखते हैं, फट्टे वट्टे हटा के देखते हैं कुछ निकलेगा तो। हट बे भाई यार, क्या है क्या स्कीम बना रखी है बताओ, या तो फट्टा हाथ में जाएगा या थोड़ा हाथ में जाएगा। पर कतई जीना मुश्किल कर रखा। ओह चिड़िया का दाना, काले कौवे का दाना ले बे भूखे, आ जा इधर भाई। रिमोट मिल गया, ये रिमोट पर यहाँ पे ग्रैनी सामने तो नहीं होगी कहीं, आई गई होगी ना, शोर मचाया इसकी पेंटिंग वेंटिंग और गिर गई। आ गई भाई आ गई, अच्छा भाई सीधा नहीं गया, देखा तुरंत आ गई है, निकल गई भाई। इतनी देर यहीं खड़ी रही, मेरी छाती पे खड़ी रही। तो भाई ये रिमोट अनलॉक कर लेते हैं, गेट खुल गया और क्या मिलेगा अंदर। ओ भाई मिल गया चैन कटर भाई, फाइनल स्टेप है भाई, इसे खोलते ही सीवर में जाके बस इसको खोलने की देर है भाई, और अपन फरार। हिस्ट्री रचने वाले हैं भाई हम, इतिहास रच देंगे आज। ओए बदतमीज चला जाओ, ओए तू गंदी शक्ल के, मैं बता रहा हूँ मेरा 5वां दिन चल रहा है, मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, चला जा, तेरे पाँव काट दूँ तेरी इससे। चला गया भाई, इस बार हो सकता है यार, प्लीज़ यार मुड़ के मत आइए, ओए देख ले ओए रसगुल्ले, जल्दी चल के लगा दो भाई, चल चल। ओ भाई पाइडल कट कर दिया भाई, खुलेगा क्या देखो। ओ यस खुल गया, निकल गए भाई, फरार हो गए आखिर का। ओ भाई देखो पीछे से कैसे मुझे ढूंढ रहे हैं, अब तो झुक गई है, अब इसके बाबा सिर में दर्द नहीं हो रहा, इसकी फौड़ी नहीं दुख रही, देखो कैसे ढूंढ रहा है। मैं चला जा बस सूरत, ओए आजा ले ले। तो भाई फाइनली कर दिया काम। हे फेलो गेमर्स, तो कैसा लगा आपको मेरा एस्केप, कमेंट करके जरूर बताना। आपकी लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यार लाइक पर मारो सपाटे, कमेंट्स में कर दो पीटी, और सब्सक्राइब में मारो रस्से। गुड बाय।